हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए ढेर सारे न्यूज लेके आई हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा जिससे आपको सारी बातें जानने को मिलेंगी और क्या है कैसे वो सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जैसे ही कीर्ति मैम आई हैं इसके अध्यक्ष शिक्षा सेवा चयन आयोग के, तब से सभी में एक पॉजिटिविटी की लहर दौड़ गई है। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि जो 27,713 वैकेंसी है उससे पहले अभी यूपीटेट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए बैच के हैं और उनका भी सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है और 2021 के बाद से यूपीटेट भी नहीं हुआ है, तो वो लोग बहुत प्रेशर में हैं कि मेरा क्या होगा क्या होगा। तो उन्हें अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो भी अपना यूपीटेट क्लियर कर सकते हैं। बट हाँ, यूपीटेट क्लियर करने के लिए आपको अभी से अपना प्रिपरेशन अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। और पहले के जैसा अब एग्ज़ाम भी पैटर्न देखो, हर एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है, तो उस हिसाब से आप अपना सिलेबस को देख के अपना अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जो जिस चीज़ का भी प्रिपरेशन आपको करना है, चाहे यूपीटेट का चाहे सीटेट का जो भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सीटेट अभी नहीं हुआ था जो जुलाई वाला था, तो जो लोग अदर स्टेट के हैं वो लोग भी सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो लोग अदर स्टेट वाले को सीटेट में 90 नंबर चाहिए होगा, तो वो लोग अपना दिसंबर वाला सीटेट अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि अच्छे से हो पाए सब कुछ और वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि मैं अदर स्टेट में जाके जॉब कर सकती हूँ, तो कोई भी आके यहाँ पे जॉब कर सकता है यूपी में भी, तो बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं, जॉब भी करते हैं। तो और भी बात कर लेते हैं, तो ये आप न्यूज़पेपर कटिंग देख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि ये वैकेंसी कंप्लीट होने से पहले ये यूपीटेट क्लियर कराया जाएगा, क्योंकि यूपीटेट 2021 से हुआ नहीं है और जब से मैम आई है तब को उनको देख के जैसे लगता है मन में पॉजिटिविटी सी आती है, हाँ वो आई है तो अब कुछ अच्छा करेंगी और भगवान जी करे कुछ अच्छा ही करें। ये जो वैकेंसी है 27,700, इसमें कुछ और ऐड करें ताकि सभी का भला हो इसमें, क्योंकि 27,000 वैकेंसी से कुछ होने वाला नहीं है। और अभी ये भी मुझे लग रहा है कि ये वैकेंसी है जो अभी मतलब लटकेगी, इतनी जल्दी क्लियर नहीं होगी, 2025 में ही जाएगी। तो अपना जो भी बीपीएससी टीआरई 4 का प्रिपरेशन कर रहे हो, 4 का करते रहें, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दोनों में सेम है, मैंने कल भी बताया था, तो टीआरई 4 वाले 4 की तैयारी करते रहें। और जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा सुपर टेट का, तो इसमें हाथ लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस तो सेम ही है, उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने कहाँ कहाँ से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, और आप सभी के साथ मैं अपना टू डू लिस्ट भी शेयर करूंगी कुछ दिनों में, बट अभी नहीं हो पा रहा है उतना पढ़ाई जितना होना चाहिए। तो आप सभी में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि दी करेंट अफेयर कहाँ से पढ़े सुपर टेट के लिए, तो करेंट अफेयर मैं कहाँ से पढ़ती हूँ मैं ये बता सकती हूँ। तो मैं गौरव सर से पढ़ती हूँ और गौरव सर से पढ़ के मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि वो करेंट अफेयर जो पढ़ाते हैं वो तो पढ़ाते हैं, बस रिविज़न कराते हैं पिछले मंथ का जो करेंट अफेयर है वो, और जीएस का भी वो पढ़ा देते हैं, तो इस वजह से हाँ उनका क्लास थोड़ा सा लेंदी है बट जो पढ़ाते हैं वो मुझे अच्छा लगता है मैं उनका। हाँ, अगर आपको स्टार्टिंग में पूरी क्लास नहीं ले पा रहे हो 1.5 घंटे की, तो 1 घंटे की लो, फिर उसको बढ़ाते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरी क्लास लोगे और आपको बहुत मज़ा आएगा उनका क्लास करने में, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि बहुत लंबा क्लास है, राइटिंग अच्छी नहीं है उनकी, बहुत सारे ऐसे रहते हैं, तो बट जब उनके क्लास से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप अपने आप श्योर हो जाओगे हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये रही करेंट अफेयर की बात, की करेंट अफेयर मैं कहाँ से पढ़ती हूँ। और भी कमेंट्स आए थे जीएस के लिए, तो जीएस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। वैसे मैंने स्टडी ब्लॉग जो मेरे हैं मैंने उसमें बता रखे हैं कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ, कैसे कैसे, तो फिर भी मैं एक वीडियो फिर से बना दूँगी कि हाँ जीएस के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, मतलब ये वाली बुक। वैसे आपके पास अगर अभी कोई बुक नहीं है, आप न्यूली हो, तो आप एनसीईआरटी स्टार्ट कर दो, क्योंकि एनसीईआरटी से बेस्ट और कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी और एसईआरटी मिले तो पहले एनसीईआरटी ही कवर कीजिए, देन उसके बाद और जो होगा उस पर बात करेंगे।
करेंट अफेयर हो गया, जीएस हो गया, और भी बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ भी आप डेली पढ़िए क्योंकि मैथ का भी वेटेज रहने वाला है, जैसे यूपी टेट में आता है और वैसे इसमें भी आएगा, सुपर टेट में भी। तो अपना तैयारी करते रहिए। और अभी मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ तो अपना बता दूँ, तो अभी मेरा करेंट अफेयर चल रहा है, मैथ चल रहा है और एक सब्जेक्ट जीएस का चल रहा है। और मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया है, ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता बट जितना मिलता है मैं उतना स्टार्ट कर दी हूँ। और अभी जब छुट्टी रहेगी तो मैं अपने स्टडी ब्लॉग भी शेयर करूँगी आप सभी के साथ कि मैं कैसे कैसे पढ़ रही हूँ। एंड कुछ लोग एकेडमी की बात कर रहे थे कि एकेडमी हटेगी या रहेगी, तो इस पर जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि जिनकी एकेडमी कम है उनके उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, बट जिनकी एकेडमिक ज़्यादा है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है अगर एकेडमिक रही तो। बस यही है, क्योंकि एक डाउट ये भी है कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको वेटेज मिल रहा है, इस वजह से सभी लोगों को डर भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि शिक्षा मित्र हैं उन्हें वेटेज मिलेगा तो वो हमसे थोड़ा सा आगे रहेंगे और उन्हें बहुत सारी प्रेफरेंसेस में भी मिलेंगी जो अभी हमें नहीं पता है। तो वो धीरे धीरे सब कुछ हम लोग को पता चलती जाएंगी समय के साथ, जैसे अभी धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होती जा रही है। हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में सिलेबस भी आ जाए सुपर टेट का, एंड जब सिलेबस आ जाएगा तो मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। बट अभी से आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, जो भी पढ़ना है एक दो सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो, मैथ्स और करेंट अफेयर स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आज नहीं तो कल ही आपको फ़ायदा ही देंगे। एंड अगर आप लोगों के मन में और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी या फिर वीडियो में या फिर कमेंट्स में ही बता दूँगी। एंड तो होप करते हैं आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सभी के लिए ऐसी न्यूज़ लाती रहती हूँ जो सही होती हैं और जो सभी के हित में होती हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। और आप अपना एकेडमिक ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपकी एकेडमिक कितनी बन रही है, क्योंकि उसका भी ये बड़ा वेटेज है कि एकेडमिक में क्या है कैसे होता है। अगर आपको नहीं पता तो ये भी बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में एकेडमिक कैसे निकाली जाती है इस पर एक वीडियो बना दूंगी, अगर क्योंकि कुछ लोग नए हैं उन्हें नहीं पता है तो एकेडमिक में परसेंटेज कैसे जोड़ते हैं और जो सुपर टेट होगा उसमें कितने परसेंट का वेटेज रहेगा, ये सब कुछ मिला के। तो जो भी होगा आप लोग बताइएगा तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। एंड आज का वीडियो अभी यहीं पे एंड करते हैं, एंड मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।